आईसीसी ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टाइम विंडो का ऐलान कर दिया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। पहले टूर्नामेंट का भारत में आयोजन होने वाला था, लेकिन बीसीसीआई ने भारत में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए इस आयोजन को देश के बाहर आयोजित करने का फैसला किया। हालांकि यह T20 वर्ल्ड कप दूसरे देश में आयोजित हो रहा है, लेकिन बीसीसीआई ही इस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सोमवार को इसकी पुष्टि की थी कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में किया जाएगा। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए मंगलवार को 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन टाइम टेबल का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया। UAE और ओमान के 4 मैदानों पर इस टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जाएंगे, जिसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड शामिल है। आपको बता दें, 2016 के बाद यह खेला जाने वाला पहला आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा। भारत में खेले गए इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया था। 2020 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इसको स्थगित करना पड़ा। आईसीसी के CEO ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हम आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को सेफ्टी से दिए गए टाइम विंडो में आयोजित करवाएं।